Sony LIV. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए Sony LIV app डाउनलोड करें. Sony LIV. We live to entertain. सामने वाले बंगले में एक लाश पड़ी है। गगन, किडनैपर ने बच्चे के पाप को भी मार दिया। हाँ, प्रीति को लेकर। सर, पीठ पे गोली मारी है। मगर खून सूखा हुआ है। इसका मतलब है जब ये पैसे लेकर आया था। तभी किडनैपर ने इसे मार दिया। आप प्लीज बॉडी को हाथ नहीं लगा सकते। प्रीति चुप हो जाओ। देखो, सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हारे बच्चे को हम ढूंढ निकालेंगे, लेकर आएंगे तुम्हारे बच्चे को, और गगन के खूनी को भी हम नहीं छोड़ेंगे। घबराओ मत। मेरे बच्चे को बचा लीजिए। लेकर आएंगे बच्चे को तुम्हारे, लेकर आएंगे। ठीक है? अभिजीत, माय गॉड, क्या हुआ? नब्ज चल रही है सर, बेहोश है। ये तो शराब पिया है, इतनी पी रखी है तो बेहोश ही होगा। दया, 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 इसने मारा है मेरे पति को। आप लोग जानते हैं सर इसको? ये हमारा सीआईडी ऑफिसर इंस्पेक्टर दया है। नहीं, दया ने उसका खून नहीं किया है। नहीं सर, किसी ने मारा मेरे पति को। देखिए, देखिए, इसके हाथ में गन भी है सर। पूरी प्रीति, प्रीति जरा समझने की कोशिश करो। ये एक सीआईडी ऑफिसर है और कोई भी सीआईडी ऑफिसर किसी बेगुनाह की जान नहीं लेता। वो मुझे नहीं पता सर, पता नहीं इसने मेरे गगन को क्यों मारा। बच्चे को बचाने आया था यहाँ पे सर, इसने क्यों मारा मेरे पति को? अगर दया ने कुछ गुनाह किया है तो उसे हम सजा देंगे, लेकिन प्लीज तुम शांत हो जाओ। बात लीजिए इसे। समझ में नहीं आता कहां से शराब पीकर आया ये। उठाओ इसे, उठाओ, ले चलो हॉस्पिटल। इस गगन का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। गगन क्यों मारा दया ने इसे? कोई तो वजह होगी जो दया ने इस गगन को मारा है।
वाकई में तुम्हें चोट लगी हुई है या फिर बहाना बना के लेटे हुए यहाँ पे? एक तो बिना बताए मेरे घर में घुस आए आप लोग, और ऊपर से मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। मजाक नहीं कर रहे हैं, पूछ रहे हैं तुमसे वो बच्चा कहाँ है। बच्चा? आप लोगों का दिमाग सनक गया है। दिमाग नहीं सनक गया है, बल्कि उस बच्चे की बात कर रहे हैं जिसे तुमने खिलौने की दुकान से किडनैप किया था, जहाँ तुम काम करते हो। कौन है आप लोग? CID। CID? सर, मुझे देख के आपको लग रहा है कि मैं काम कर सकता हूँ? सर, मैं 3 दिन से काम पे नहीं गया हूँ, आप बताइए मैं कैसे बच्चे को किडनैप कर सकता हूँ? परसों तुम काम पे नहीं गए थे? नहीं गया सर, परसों से एक दिन पहले मेरी ये हालत हो गई। ये सब हुआ कैसे तुम्हारे साथ? 3 दिन पहले मैं शाम को काम से घर लौट रहा था, रास्ते में मुझे एक आदमी मिला सर, वो मुझे मारने लगा। क्यों मार रहा था, तुमने पूछा नहीं? मैंने उससे बहुत पूछा मगर उसे कुछ भी नहीं बताया। किडनैपर ने बच्चे के बाप को भी मार दिया। सर, आपके इंस्पेक्टर ने मेरे पति का खून किया है। दया ने खून कर दिया है। क्या? सस्पेंड। अबे क्या अभी? देखिए, दया को कुछ भी नहीं मालूम है, ये सब किसी और ने किया है। सर, ये बच्चा मेरे घर में कहां से आया? वही तो हम भी पूछ रहे दया, कि ये बच्चा तुम्हारे घर में आया कहां से? सर, मुझे नहीं मालूम सर। ये तो वही बच्चा है जो किडनैप हुआ था। एक बात तो पक्की है सर, कि कोई तो है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, और वो जो कोई भी है शायद अभी भी तुम्हारे घर के आसपास छुप के बैठा हो, नजर रख रहा हो हम पे। अभिजीत, जाकर देखो जरा। कितना प्यारा बच्चा, इसे किडनैप करने की कोई सोच भी कैसे सकता है। हैरानी की बात यह है कि तुम्हारे घर में आया कहां से? हाँ सर, घर की चाबी तो सिर्फ मेरे पास है। वही तो, घर की चाबी तुम्हारे पास है, घर का दरवाजा बंद, फिर भी ये आया कहां से? घर की चाबी तुमने किसी को दे तो नहीं रखी थी? नहीं सर, नहीं सर, आसपास तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ, बच्चे को छोड़कर निकल गया, वो भाग गया। सर, जल्दी से जल्दी इस बच्चे को इसकी माँ के पास भिजवा देते हैं, पता नहीं किडनैपर से इसने कुछ खाने को दिया है कि नहीं। नहीं अभिजीत, ये बच्चा दया के पास, दया के घर में ही रहेगा। मेरे घर में क्यों सर? ये जो भी ये ड्रामा कर रहा है, वो चाहता है कि ये बच्चा तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में ही मिले, ताकि तुम्हारे ऊपर जो इल्जाम लगे हैं वो सही ठहरे। मगर सर, मैं दया, मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं। तुम क्यों हंस रहे? नहीं सर, वो मुझे लगा कि दया की शादी नहीं हुई है तो ये बच्चे की देखभाल कैसे करेगा सर? तो तुम देखभाल करोगे? हाँ सर, ये ठीक रहेगा, डॉक्टर तारिका भी आ जाएगी तो दोनों साथ में संभालेंगे बच्चे को। दया, मजाक बंद, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, इस बच्चे को तुम ही संभालो। सर, दया को फंसाने का प्लान उस बंगले में से ही शुरू हुआ है जहाँ पे खबरी ने दया को बुलाया था। इस बच्चे के बाप गगन की लाश वहाँ पे मिली, पर बाद भी वहीं पे था सर। अगर कुछ सुराग मिलेगा तो उस बंगले में ही मिलेगा। हाँ अभिजीत, बंगले में ही चलते हैं। दया सर, संभल के रहना। सर, कुछ मिला अभी? नहीं सर, पूरा गार्डन यहां वहां सब जगह खोद डाला है, प्रभात की लाश कहीं नहीं मिली। डैम इट, अगर इस प्रभात की लाश मिल जाती ना तो कितना आसान हो जाता दया को बेकसूर साबित करने के लिए। सर, दया ने खुद कहा था उसने प्रभात को यहीं पे गोली मारी है, तो लाश गई तो गई कहां? कोई छोटी मोटी चीज तो है ना कि कोने में छुपा के रख दी। वही तो मालूम है अभिजीत, मालूम है, लेकिन अभिजीत मेरा दिल कहता है कि हमसे कुछ छूट रहा है, कुछ तो छूट रहा है। अगर कोई छोटा मोटा सबूत भी मिल जाए ना तो दया को बचाने के लिए तिनके का सहारा बन सकता है। अभिजीत, जहां पर गगन की लाश मिली वहां पर चलो, चलो आ जाओ जल्दी।
अभिजीत सर, अभिजीत ये है गगन का सूखा हुआ खून। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।